आपको चित्रांशु रावत, जिन्होंने चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का रोल किया था। तो कोमल, आज कैसा लग रहा है? हम तो गुनगुना रहे यहाँ पर चक दे इंडिया, लेकिन जब आप मैच देख रही थी, पहले बताइए आपने मैच देखा या नहीं देखा, और कैसा आज फील हो रहा है? मैं आपको ये बताऊंगी कि आज मेरी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, क्योंकि मैं उठी हूँ और मुझे सबसे पहली न्यूज ये पता चली है कि हमारी लड़कियाँ सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ जीत की बधाई, आप कोमल चौटाला अंदाज में दीजिए, तो कैसे देंगी? अरे मैं कह रही थी कि मैंने घनी खुशी हो रही है कि हमारी लड़कियां जो है ना सेमीफाइनल के पहुंच गई हैं, बस चक दे फट्टे हो रहे हैं बस अब तो। तो टोक्यो से लेकर हिंदुस्तान तक चक दे इंडिया हो रहा है, तो कैसा लग रहा था जब मैच देख रही थी? मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं मैच नहीं देख पाई हूँ, बट मैंने जैसे कहा आज मेरी सुबह की शुरुआत ही वैसी हुई है। मैं उठी और मैंने फर्स्ट न्यूज मेरे पास ये आई है कि हमारी लड़कियां पहुंच गई है, तो मैं आपका फोन आने से पहले आई वाज जस्ट सीइंग कि मुझे कहीं से हाइलाइट्स और मैं जल्दी से कुछ देख लूं, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि कैसा मैच रहा है, क्योंकि एक गोल पड़ा है आई थिंक हरप्रीत कौर ने, शायद वो एक गोल मारा, गुरजीत कौर ने, तो मैं हाँ जी हाँ तो उन्होंने मारा है, तो फिर मैं यही सोच रही थी। और मैं एक्चुअली जो एक और है जिन्होंने हैट्रिक मारी थी इससे पहले वाले मैच में, वंदना कटारिया, तो उनके साथ मैंने बड़े कैंप किए हुए हैं एक्चुअली पहले। कोमल वैसे आज जब हम जिससे भी चर्चा कर रहे हैं ना, कोमल देखिए चर्चा बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे आपकी फिल्म थी, क्योंकि शुरुआत में इंडियन टीम हारती जा रही थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बड़ी टीम जिसके सामने लग नहीं रहा था कि इस तरह से एक इतिहास रच देगी हिंदुस्तान की टीम, बिल्कुल वैसा फिल्मी सीन लग रहा है आज पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जब हमने शायद फिल्म करी थी तब भी बहुत नंबर वन थी, और आज भी आई थिंक वर्ल्ड नंबर टू में ऑस्ट्रेलिया आती है, तो अगर हमारी लड़कियों ने उनको बीट किया है उसका मतलब है कि हमारी लड़कियां काफी अच्छी शेप में और काफी अच्छा खेल रही हैं और काफी अंडरडॉग तरीके से आ रही हैं, बिकॉज आई थिंक इनिशियल मैच हमारी लड़कियां बिल्कुल जैसे हमारी फिल्म में हो रहा था कि हम लोग पहले दो मैच हारे थे, उसके बाद धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़े थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई रियली होप कि ये वाली स्ट्राइक जो है लड़कियां बनाए रखें और मतलब चब्बे और सही में मतलब गोल। देखिए हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों ने फिल्म में भी चलते चलते हारते हारते आखिरी में आपने मेडल ले ही लिया था, जीत ही गए थे, और हम बिल्कुल यहाँ से भी यही चाह रहे हैं, बहुत उम्मीद है। तो जरा अपने उसी कोमल चौटाला अंदाज में जरा लड़कियों को आगे के लिए गुड लक बोल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या है मैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया चित्राशी रावत एके कोमल चौटाला ये कहना चाह रही हूँ कि भाई हमारी लड़कियां जो हैं बड़ी मेहनत कर रही हैं, उनको मैं बहुत सारा ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, और इंडिया में सारे के सारे जो हमारे लोग हैं उनको चक्के इंडिया कहना चाहते हैं। ये तो गाना पड़ेगा, नहीं ये गाना पड़ेगा, ये कह के नहीं चलेगा, गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। तो देखो मैं तो यही गाना चाहूंगी कि हमारी लड़कियों के लिए बादल पे पाव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ओ, ओ, ओ। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। अरे थैंक यू। जी तो जरा कुछ और भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि आगे अभी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, आपकी फिल्म में भी बहुत चुनौतियां आपने झेली हैं और यहाँ पर भी चुनौतियां बहुत है अभी आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बस यही चाहूंगी कि बस हार के नहीं आना है, जैसे हमारे सुखलाल साहब ने हमें कहा था जब हम लोग जा रहे थे कि आपके दही चावल बहुत याद आते हैं, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बस अपना तिरंगा एकदम लहरा के आना है तो, और चक दे इंडिया तो करके ही आना है, बस उसी का इंतजार है और काफी क्लोज हैं हम लोग अपनी विक्ट्री से। तो देखिए हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं। अच्छा मैं तो आपको कोमल ही बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे वो आपका कैरेक्टर अंदाज बहुत पसंद आया था, और आज मैं आइकन मैं आपको बिल्कुल चित्रांशी रावत कह के संबोधित नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आज आप कोमल के किरदार में आ जाइए बस, छोरियों ने कमाल कर दिया है। अब साथ ही साथ जरा चक दे इंडिया भी गुनगुना दीजिए, आवाज आपकी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल चक दे चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे चक दे इंडिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया।
थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आज की सुबह जो आपकी हुई जब आंख खोली तो ये खुशखबरी आपको मिली, आप यकीन मानिए अगर आप इस पूरे मैच को देखेंगी और फिर उसके बाद अपनी फिल्म को कंपेयर करेंगी उससे कम आपको नजर नहीं आएगा। आज छोरियां हावी रही, ऑस्ट्रेलियन लड़कियों को टिकने नहीं दिया उन्होंने। वाह क्या बात है, मैं बस एक्चुअली अब आपका फोन जो खत्म होगा तो मैं बस वह ढूंढ ही रही थी कि जरा मुझे हाइलाइट्स तो दिखे कि हुआ क्या है। आई सॉ द फोटोग्राफ्स एंड फोटोग्राफ्स जो आ रही हैं लड़कियों की दिख रही हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो एकदम जो हमारी मूवी के स्टिल्स थे एकदम वो दिखा मुझे ना, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई आज दिल में, मतलब आज का दिन तो मतलब बना दिया ना लड़कियों ने, दिन बन गया बिल्कुल। और अब तो आगे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा देखिए, जिस दौरान आपकी फिल्म आई थी उसके बाद मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद एक लहर सी उठ गई थी कि लड़कियों को हॉकी में भेजना ही भेजना है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात करें बहुत सारी चुनौतियां आपको पता ही होगा क्योंकि आपने फिल्म की आपने, और वो फिल्म इसीलिए बनी थी कि किस तरीके से इंडियन हॉकी स्पेशली इंडियन विमेन हॉकी रिवाइव होती है और यहाँ पर तो वो हकीकत में हो रहा है। फिल्म से लोग इंस्पायर हुए, लड़कियां हॉकी की तरफ, कई लड़कियां गई, लेकिन इसके बाद लगता है ये गेम चेंजर मैच था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। देखो कहते हैं ना कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, छोरियां छोरों से कम थोड़े हैं ऐसा कहते हैं ना, तो बिल्कुल आज वो एकदम मुझे लग रहा है कि सच हो रहा है। और एक और बहुत अच्छी चीज है कि हमारी लड़कियों ने इतनी मेहनत करके वो फाइनली मतलब पहुंची है। और आपको अगर याद होगा कि अगस्त का महीना है और 10th ऑफ अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, तो क्या हमारी एनिवर्सरी है 14 और 15 इयर्स ऑफ एनिवर्सरी इंडिया की है, तो ये काफी आइकॉनिक था और काफी मुझे लग रहा है फुल लाइफ का जो फुल सर्कल है। मैं तो सुबह से अपने तमाम रिपोर्टर्स से चैट करते हुए यही कह रही थी कि हमारा कि अगस्त का महीना यकीनन बहुत लकी है। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए।